गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी मैं जो आज आया हुआ हूँ वो आया हुआ हूँ जितार नगर, जगह पड़ती है ये गगन बिहार के एकदम पास में है, मेरे लक्ष्मी नगर से ही पास है। तो यहाँ पे मैं कार की वॉशिंग करा रहा हूँ अपनी टैगो की, जो क्या हुई नहीं थी। और ये मैंने मतलब लेह के बाद में जो लेह ट्रिप किया उसके बाद इसकी वॉशिंग नहीं हुई थी, बहुत गंदी हो रखी थी। तो मैं दिखाता हूँ कितनी गंदी हो रखी है चारों तरफ से वो भी आपको, और वॉशिंग का कितना चार्ज हुआ ये सारा कुछ आपको इसमें बताऊँगा, प्लस कैसी वॉशिंग हुई है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको भी अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर कभी आ सकते हो, जो आसपास के लोग हैं वो आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तो वॉशिंग कराने पहुँचे हैं ये, और ये मैं करा रहा हूँ गगन विहार के एकदम सामने है जितारपुर, हाँ जितार नगर। और इधर ये शॉप है, और रेटियो में बता दूंगा कितने हैं। और गाड़ी कंडीशन आप देखो क्या हालत हो रखी है, ये है लेह से आने के बाद धुली नहीं है, तो आज इसकी वॉशिंग हो जाएगी और रेडी है अगली ट्रिप के लिए। फिर ये आगे की कंडीशन है, वो सीट तो ये इन्होंने यहाँ पे ये पैक कर दिया है ताकि पानी ना जाए किसी भी उसमें। और कंडीशन देखो, चूहे भी घूमे हैं हल्के हल्के, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अब। तो मतलब आप देख सकते हो कंडीशन तो क्या हो रखी है, ये सीमेंट पड़ा है वहाँ पे कहीं पे, जहाँ खड़ी हुई थी तो वहाँ पे भी सीमेंट का काम चल रहा था कुछ। तो पानी लग चुका है इस पे, और अब शैम्पू लगा रहे हो साबुन तो अभी ये लग रहा है, और काफ़ी मिट्टी निकली है जैसे क्या था, अभी थोड़ी थोड़ी है ये, और ये अभी कपड़ा मारेंगे तो उससे साफ होगी। बाकी अंदर से वैक्यूम वगैरह लगा दिया है तो अंदर से मतलब अच्छे से साफ हो गई है, ये इस तरह से कर दिया, बहुत गंदी हो रखी थी जो क्या। तो ये अंदर से ये कंडीशन है, और पिछली ट्रे भी इन्होंने धुल दी है अच्छे से, तो वो भी गंदी हो रखी थी, अब सूख जाएगी जाके। और इंजन पे थोड़े चूहे वगैरह भी आ रहे थे, उधर का भी कर दिया है साफ अच्छे से, ये आगे का हो गया मेरी साइड का और ये उधर का। तो ये इनकी शॉप है यहाँ पे, मलिक कार केयर करके, और इधर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर कभी आना है तो आ सकते हो। और ये पड़ती है एकदम जो गगन विहार का गेट नंबर 2 है वो सामने दिख रहा है, उसके एकदम सामने है, तो कभी भी आ सकते हो। बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे एकदम, और बाहर से एक बार दिखा देता हूँ इस तरह की है, जितार नगर में पड़ता है ये है। तो पानी लग गया है, साबुन भी लग गई, तो चमक तो रही है अब, पर वो ये है जो कुत्तों ने निशान डाल रखे हैं वो नहीं जा रहे। तो ये है भैया, हेलो गाइस, हेलो, और भैया का नाम है मिस्टर जिसान मलिक। तो यहीं पे हम काम करा रहे हैं, तो थोड़ा सा भैया बताएंगे आपको क्या क्या इनके यहाँ पे सर्विसेज हैं और क्या क्या प्राइस है, थोड़ा सा बता देंगे। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं भैया अपने टाटा टियागो वॉश करवाने आए थे, तो जैसे मैंने देखा इनकी कार पे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी तो हम वॉश तो करते ही करते हैं, बाकी हम ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम इंजन ऑयल वगैरह, ऑयल फिल्टर, ये सब डीप ड्राई क्लीनिंग, रबिंग पॉलिशिंग, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। वैसे तो डोर स्टेप की सर्विस अवेलेबल है, लेकिन शॉप पे और बेहतर से बेहतर तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि सारे इक्विपमेंट के साथ अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, अभी हम इनकी गाड़ी पे पॉलिश करके दिखाएंगे, जैसे कि कुत्तों के नेल्स के निशान बहुत है बोनट पे, हाँ। तो अभी हम करके दिखाएंगे फिर हम आपको बताते हैं। और जो डोर सर्विस है वो कितने किलोमीटर तक? डोर सर्विस सर वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी अच्छा 2 से 3 किलोमीटर के डायमीटर में हम कर सकते हैं। कर देते हो आप? चलिए थैंक यू सो मच भाई, सर हम करके दिखाते हैं। हाँ तो अभी दिखाएंगे आपको। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बहुत सारे ना स्क्रैच हैं जो कुत्तों के नेल्स से हैं, कुत्ते एक्चुअली छत पे बैठ जाते हैं इसकी, जहाँ पे मेरी पार्किंग है वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि ये हट जाएंगे, वो देख रहा हूँ एक बार अगर काम करती है स्कीम तो फिर मैं कराऊँगा उसको, वरना नहीं। तो वही दिखाना चाह रहे हैं अभी वो, कि देखो ये बोनट के स्क्रैचेस वगैरह कैसे हो जाएंगे। तो सर रबिंग कहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं, हाँ हाँ, नेल वाइट्स बहुत सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, डार्क स्क्रैचेस हैं, हाँ हाँ, उसको कम करने के लिए देखते हैं, ट्राई करते हैं सर कितना कम हो सकता है, रबिंग करके हल्का सा, हाँ, कितना कम हो सकता है। कटिंग कर रहे हैं अभी हम, फिर बाद में पॉलिशिंग करेंगे, उसके बाद। ओके ओके।
अभी ये बहुत माइनर सा कुछ फ़र्क पड़ा है पहले से जो रबिंग की है उससे, तो अभी दोबारा वो कुछ और पॉलिश लगाएंगे इस पर, उसके बाद देखते हैं। तो अभी ये सेकंड टाइम इन्होंने किया है, उसके बाद में थोड़े से मतलब कम हो गए पहले से, अब दूर से दिख नहीं रहे एकदम। हाँ पास से बिल्कुल दिख रहे हैं अगर इतने पास जाएंगे तो, मगर दूर से देखे तो दूर से नहीं दिख रहे इतने। इससे पेंट वेंट तो नहीं जाता? नहीं नहीं पेंट का कोई फर्क नहीं है, अब ये आपकी पॉलिशिंग हो रही है। अच्छा, तब वो रबिंग था या कटिंग कर रहे थे हम, ओके, स्क्रैचेस की कटिंग हो रही थी, अब ये पॉलिशिंग हो रही है। ये पॉलिशिंग ये फाइनल हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कोई कह रहे कि हम निकाल सकते हैं, वो अब नहीं निकाल सकते। हाँ इस ये पॉलिशिंग होने के बाद जो फाइनल हो जाएगा वो उसको फ़र्क दिखेगा आपको इससे। चलो देखते हैं इसको भी। तो इस तरह का हो गया है, अभी ये पॉलिशिंग रबिंग सारा कुछ हो चुका है इसके ऊपर, और मतलब कम दिख रहे हैं निशान, निशान तो ख़त्म नहीं होंगे। विजिबल नहीं है क्योंकि पेंट में स्क्रैचेस हंस गए, डीप स्क्रैचेस। हाँ तो ये अगर पास से जाके देखें तब हमें दिखेंगे इधर। आपको कोई कहता है कि मैं टेफ्लॉन कोटिंग करके हटा, सेरेमिक कोटिंग नहीं हट पाएगा, नहीं हट पाएंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज पेंट में आ चुकी है वो नहीं। हाँ हाँ वो मतलब पेंट ही कराना पड़ेगा या क्लियर कोट होता तो एक बार कर सकते। लेकिन साइनिंग आ गई है अभी। हाँ काफ़ी थोड़ा फर्क पड़ गया है पहले से। हाँ स्मूथ भी हो गया है, अगर आप इस पर मैं हाथ फिराता हूँ ना तो पहले स्मूथ नहीं था इतना, अब हो गया है जो। तो गाड़ी गई चमक अपनी, ये देखो पूरी एकदम, मतलब बोनेट बड़ा अच्छा चमक रहा है, जो रविंग किया उसका असर तो दिख रहा है उस पर। बाकी पेड़ के नीचे खड़ी है तो और भी ज़्यादा चमक रही है ये। चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से। तो काफ़ी अच्छे से क्लीन किए अंदर ये, उन्होंने पेपर भी अलग से लगा के दिए हैं। सो गाइस गाड़ी हो गई है क्लीन, एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रेट भी रीजनेबल है, उन्होंने मुझसे इतने काम के 500 लिए हैं, और बाकी डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसी है कैसे कंडीशन है उसके ऊपर। तो वो बोल रहे थे कि रेट का ऐसे ही रहता है हमारा, कि किस कंडीशन में गाड़ी आ रही है कैसी आ रही है। तो मेरी बहुत गंदी हो रखी थी, बुरा हाल था। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।